Hi all, this is Ashutosh here, and I welcome all of you to this new chapter in Multiple Candlestick Pattern series. And we are going to talk about morning and evening star patterns. हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग स्टार पैटर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. अभी तक हमने जितने भी पैटर्न्स देखे हैं वो दो कैंडलस्टिक या सिंगल कैंडलस्टिक के थे. नाउ मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स आर थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न. जैसे पहला कैंडल जो है वो बेरिश है, अगला कैंडल जो है वो एक छोटे रेंज का कैंडल है, मे बी 2G और स्पिनिंग टॉप, या एक छोटे रेंज का कैंडल है, मार्केट इज टेकिंग इट्स टाइम टू एब्जॉर्ब. एंड थर्ड कैंडल क्लोजेज हायर, तीसरा वाला कैंडल काफी तेजी से ऊपर क्लोज हो रहा है. नाउ इफ यू कंपेयर एनगल्फिंग पैटर्न और मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ऑलमोस्ट सेम तरीके का बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, या इवन पियर्सिंग पैटर्न भी सेम तरीके का बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है. लेकिन एक इसमें बहुत मेजर डिफरेंस है, और वो है इस कैंडल का फॉर्मेशन. ये जो कैंडल है ना, मार्केट टेक्स इट्स टाइम हियर इन दिस जोन, और फिर उसके बाद वो पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है. जबकि एनगल्फिंग पैटर्न और पियर्सिंग पैटर्न में मार्केट अगले ही कैंडल पर रिएक्ट कर रहा है. बट इन दिस मॉर्निंग स्टार अ स्मॉल पैटर्न विच इज गेटिंग फॉर्म्ड हियर इज गिविंग अस अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट. यहाँ पे जब ये मार्केट ऊपर हो रहा है ना, तो मार्केट हैज टेकन इट्स टाइम टू एब्जॉर्ब द होल स्टफ. वो समझा है मार्केट ने, हो सकता है ये यहाँ से नीचे भी गिरता है, ऊपर से भी ऊपर जाता. मार्केट ने इस वाले डोमेन में अपनी परिस्थिति को समझा है, एंड देन इट हैज रिएक्टेड हियर. जबकि एनगल्फिंग और पियर्सिंग पैटर्न में मार्केट का जो अप्रोच होता है नेक्स्ट कैंडल पे, वो रिएक्टिव हो सकता है. हियर इट इज रिएक्टिव, बट एक क्वेश्चन बिल्ड हो गया बीच में, जहां पे उसने मार्केट ने टाइम लिया अपने आप को समझने के लिए. हेंस दिस पैटर्न इज मोर स्ट्रॉन्गर देन आर एनगल्फिंग एंड पियर्सिंग पैटर्न. सिमिलरली मॉर्निंग स्टार की तरह ही उसका रिवर्स जो है वो इवनिंग स्टार है. प्राइस नीचे से ऊपर कहीं जा रहा था, इवन गैप अप के साथ एक स्टार यहाँ बना, और फाइनली नेक्स्ट गैप डाउन के साथ एक और एक बेरिश कैंडल बना. नाउ इमेजिन सेम है, मार्केट टुक इट्स टाइम टू एब्जॉर्ब दी मोमेंटम ऑन दी अपसाइड, एंड देन फाइनली मेड इट्स माइंड कि नहीं है, मुझे नीचे गिरना है. तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न. ये ज्यादा स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है इन कंपैरिजन टू दी एनगल्फिंग बुलिश और बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न्स और दी पियर्सिंग पैटर्न्स. सो लेट्स गो टू द चार्ट एंड एनालाइज इट फर्दर. जैसे ये वाला डोमेन देखिए, प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा था, बेरिश कैंडल है. मार्केट टुक इट्स टाइम इन दिस कैंडल टू एब्जॉर्ब क्या हो रहा है. एक स्पिनिंग टॉप है, जहां पे मार्केट समझने की कोशिश क्या कर रहा है कि इट्स टेकिंग इट्स टाइम, मार्केट इज टेकिंग इट्स टाइम. कॉन्टेक्स्ट में आप समझिए कि मार्केट इनडिसाइसिव तो हो ही रहा है, लेकिन फाइनली मार्केट रिएक्ट करने से पहले अपने आप को टाइम दे रहा है. एंड देन दिस कैंडल गेट्स फॉर्म व्हिच इज एन अग्रेसिव कैंडल ऑन द बुलिश साइड, और मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा सा निकल गया. सो ओवरऑल हमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स में इन कैंडल्स को फिट करना है और समझना है कि ये कैंडल्स हमें क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कवर इन टुडेज चैप्टर. आई विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट चैप्टर्स, और अब हमारे लिए इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि अगले चैप्टर्स जो जो भी हैं वो चैप्टर्स अब प्रैक्टिस के हैं, और प्राइस एक्शन में हम एंटर करने वाले हैं. प्रैक्टिस में वी वुड बी कवरिंग इन कैंडल्स को चार्ट्स में किस तरीके से रीड करना है. वी वुड बी टेकिंग 2 to 3 चैप्टर्स ऑन दो, एंड देन फाइनली उसके रियल इंफॉर्मेशन कैसे विड्रॉ करना है, प्राइस एक्शन के एलिमेंट्स हम और इनकॉर्पोरेट करना शुरू करेंगे. So thank you. I'll be coming back with the next chapter pretty quickly.